गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम लोग ग्राफ पर पढ़ेंगे क्योंकि इसके पहले ग्राफ ही चल रहे थे और आज ग्राफ जो बनाना है एनसीईआरटी बुक से बनाना है। और मैं आपको ये बता दूं कि एनसीईआरटी बुक का टोटल क्वेश्चन आप बनाइए, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। कैसे इक्वेशन बनाते हैं वो देखिए, एक्सरसाइज नंबर 3.1 निकाल लीजिए और उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम आप पढ़िए और उससे ग्राफ कैसे बनाते हैं। प्यारे बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चंस। कहता है कि अमिताभ टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you. Where then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. वाह, तो कहता है कि represent the solutions algebraically and graph. दो चीज इसमें प्यारे बच्चों पूछ कह रहा है, इसमें दो चीज क्या कह रहा है, तो एक तो कहता है कि इसका अलजेब्रिक इक्वेशन बनाइए, एक अलजेब्रिक इक्वेशन कह रहा है बनाने के लिए, और दूसरा कह रहा है कि ग्राफ बनाइए। और प्यारे बच्चों कभी कभी पूछ देता है कि ग्राफ के द्वारा इसका वैल्यू निकालिए कि ये जो आप जो बना रहे हैं जिसमें एज ऑफ अमिताभ है उसका एज कितना होगा, एज ऑफ डॉक्टर कितना होगा, उसकी बेटी का उम्र कितना होगा। तो क्वेश्चन बारीकी से पढ़िए, तो हम उसको पहले राइट लेट प्रेजेंट एज ऑफ व्हाट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ व्हाट, एज ऑफ अवतार बी एक्स ईयर्स एंड डॉक्टर बी वाई ईयर्स। उसका अमिताभ का एज एक्स और डॉक्टर का वाई ईयर्स, लेकिन कहता है कि 7 years एगो, रीड क्वेश्चन, 7 years एगो, तो 7 years एगो मैंने 7 years पहले, तो पहले है तो मैंने पहले, अभी उम्र एक्स है तो पहले 7 साल पहले घट जाएगा ना, तो 7 इसमें भी सेपरेट किए और 7 इसके डॉक्टर में भी सेपरेट कर दिए। क्वेश्चन प्लीज रीड द क्वेश्चन, 7 years एगो मतलब 7 years पहले उसका भी एज घटेगा 7 years और उसके डॉक्टर भी घटेगा, लेकिन कहता है कि इक्वली होगा कब, 7 times है ना, माने वो अपने डॉक्टर के एज से एज है 7 times है, 7 times है। कौन 7 times है होगा या कौन 7 times था, तो अवतार, तो इक्वल करने के लिए 7 से उसके डॉक्टर में मल्टीपल करते, क्योंकि ये अवतार जो था 7 times ग्रेटर था, तो इक्वल करने के लिए इक्वेशन क्योंकि बना रहे, इक्वल करने के लिए उसके डॉक्टर में 7 से मैं मल्टीपल कर दिया, तो 7 से मल्टीपल कर दिया तो 7y और 7 से 49, अंडरस्टैंड, 7 से 49। अब उस सब को एक तरफ लाए, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, तो 7x-7y इधर आ जाएगा, तो 7 सेपरेट हो जाएगा, +42 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन, ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन पढ़ कर करके बना देना है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन। एंड और कहता है कि 7 years बाद, आज से 7 years बाद, आज से 3 years बाद, 3 कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, 3 years तो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, प्रेजेंट एज से
तीन वर्ष बाद तिगुना हो जाएगा। तो तीन वर्ष अभी से तीन वर्ष इसमें भी थ्री इयर्स ऐड होगा और डाउटर में भी थ्री इयर्स हो जाएगा। तो पर भी ये जो अमिताभ होगा थ्री टाइम्स मतलब तीन गुना हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए इसके डाउटर में थ्री से मल्टीपल कर दी। आसान है कि नहीं? कौन में मल्टीपल करिए? उसके डाउटर में थ्री से मल्टीपल मैंने कर दिया। तो अब देख लीजिए, इसको मल्टीपल किया तो थ्री वाई, इसको राइट लेफ्ट साइड लाया तो माइनस थ्री वाई हो गया। और थ्री थ्री जा नाइन, नाइन हुआ, लेकिन इसको मैंने इस तरफ लाया तो नाइन माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स। सबको इधर मैंने ला दिया तो थ्री वाई थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन सेकंड। तो ए बोथ आर एल्जेब्रिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा था, क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। एल्जेब्रिक इक्वेशन आपने बना दिया, लेकिन अब कह रहा ड्रॉ द ग्राफ। अब इसको ग्राफ बनाइए, जो मैंने पहले बताया था आपको ग्राफ बनाने के लिए, जिस तरह से पहले बताया था उसी तरह से बनाना है। इसीलिए मैं दोनों किताब ले चला हूँ, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी बुक, और दोनों से पूरा बनाइए। देखिए तो इसमें कहता है फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से मैंने क्या किया कि एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस है तो इधर राइट साइड जाएगा तो माइनस 42, और ये माइनस है तो ये प्लस 7 वाई। अब इसी से एक बॉक्स बना दिया, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7 वाई, ठीक है। और वाई तो मैं वाई का वैल्यू 9 दिया, वाई का इफ वाई इक्वल टू 9 तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 42 और प्लस 77 इंटू 9 तो कितना 63 में से 42 चल गया, तो 21 प्लस पे आगे लिख दिए कि नहीं, 21 लिखा दिया ना। अब कहता है कि y इक्वल टू 12, इफ y इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना मान रखना माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7 कितना 12 रखे ना है, y इक्वल टू कितना लिखे रखे हैं 12, तो 7 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा 84 में से आपको कितना चल जाएगा माइनस 42 चल जाएगा, तो 42 बच जाएगा, यहाँ 42 लिख दिया गया। अब कहता है कि इफ y इक्वल टू 0, ये नहीं कि मैं जो वैल्यू इसमें रख रहा हूँ वही रखना जरूरी है, आप कुछ भी रख सकते हैं, 3 भी 4 भी 7 भी, आप जो भी रखिए वो आपकी मर्जी, ठीक। तो कितना रखा गया y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू तो माइनस 42 अब प्लस क्वार्टर 7 वाई, तो 7 इंटू 0 करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, तो आपको माइनस 42 हो गया। अब इक्वेशन सेकंड को लेंगे, ये इक्वेशन आपका सेकंड है, तो इसमें क्या करेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब राइट साइड जाएगा, तो 6 प्लस में और ए भी प्लस में, मतलब 6 प्लस 3 वाई हो गया। अब वैल्यू आप दीजिए, पहले 9 वैल्यू दिए, तो 9 वैल्यू इफ y इक्वल टू 9 तो x इक्वल टू कितना 6 प्लस 3 वाई, तो 6 प्लस 3 वाई का मान 9, तो 9 3 जा 27 और 6 33 लिख दिया है x के सामने, ठीक है। y इक्वल टू 12 दे रहे हैं y इक्वल टू, तो हमको वैल्यू कितना है 6 और प्लस 3 इंटू 12, 3 वाई था 12, ऐड करने पर कितना हो गया 42 हो गया। फिर नाउ इफ y इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 6 प्लस 3 वाई, 6 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 0 तो कितना हो गया 6 हो गया, आगे कि नहीं। तो मैंने इसके पहले भी प्यारे बच्चों मैंने बतलाया था आपको, क्या बतलाया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ, याद रखिएगा उसको ग्राफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ। फर्स्ट एक दूसरे को काटता है जिसको इंटरसेक्ट कहते हैं, एक पैरल जाता है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा,
तो इसका नो वैल्यू, एक सौ रुपए का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, केवल इसी का निकाला जा सकता है। और एक होता है कि एक के पर जाता है, जिसका माने क्या चीज इन्फिनिटिव सोल्यूशन होता है, तो उसको कंसिस्टेंट करते हैं, समझ गए ना। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ होगा, तो वैल्यू उसी का निकलेगा वास्तविक में जो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो अब ग्राफ इस पर बनाइए, आपका ग्राफ मैंने वहां खींच दिया, देखिए आपका कॉपी में दिया हुआ होगा, और आप देखिएगा कि प्रत्येक में इसमें जो 10 को दिल रहेगा ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 को रहेगा ग्राफ, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, 10 को ऐसे और 10 को ऐसे। इस तरह से रहेगा 10 को, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे कहना है कि x का वैल्यू कितना है, 21। तो ग्राफ में फिर एक बार तो नहीं जान ले, ये जो है वर्टिक्स जो लाइन है वो y एक्सेस है, और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो x एक्सेस है, बीच वाला जो पॉइंट है ये वो रीजन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। 0 0 इट मीन्स x में भी 0 और y में भी 0, 0 0 मतलब। तो मुझे कहना है कि अब देख लीजिए, 10 10 लिए हैं आप, आवश्यकता अनुसार 10 10 लीजिए, 1 1 लीजिए, आप जैसा ग्राफ वैसा अपने आवश्यकता अनुसार ले लीजिए। तो मैं 10 10 लिया, 10 20 30 40 50 प्लस में x के इधर -10 -20 -30 -30 -40 और x में ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में 10 20 30 40, अंडरस्टैंड, 40 है नीचे आ जाएगा, तो -10 होगा, -20 होगा, इस तरह से बढ़ते चले। प्यारे बच्चों, अब आइए यहां इक्वेशन वन कहता है कि x = 40 x = 21, तो 21 20 है, 1 और 1 बॉक्स, चलिए छोटा बॉक्स, और लेकिन ऊपर कह रहा है y = 9, तो ऊपर 9 के मतलब क्या है, 10, तो ये तो 10 है, एक नीचे होगा अर्थात ए पॉइंट होगा, अंडरस्टैंड, यही पॉइंट ना होगा, माने 10 नहीं यहाँ पर, अब समझिएगा ये, क्योंकि छोटा अगर ऐसे लेते हैं और ये ऐसे ऐसे रहेगा तो ये 9 होगा, तो इसको कितना कर देंगे, 21 और 9, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, 21 और 9, पहले x लिखाता है तब y लिखाता है, राइट। अब देख लीजिएगा, क्योंकि आप में छोटा छोटा घर इसमें रहेगा, ठीक है। अब कहता है कि x = 42, वाह, तो y = 12, x = 42, प्यारे बच्चों प्लस में 42, तो ये 40 है, 41 42, दो घर ऊपर, तो ऊपर कितना कह रहा चलने के लिए, 12 12 के मतलब ये 10 है, 11 12, ये ऐसे यहाँ कर दीजिए और यहाँ से ऐसे कहीं ना कहीं तो पॉइंट ही आएगा, आप देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लिख देंगे कितना, 42 और 12, ये कितना हो गया, 42 और 12, ऐसे हम लोग कर देंगे। फिर कितना कह रहा है, x = -42 y = 0, माइनस इधर ना हो जाएगा जी, तो ये 50 है, तो -42 1 2 0, मैंने यहीं पर, अब समझ लीजिए यहाँ पर आ गया, मैंने इसको कितना लिखेंगे, -42 और 0, पहले एक्स वाई सब में लिखा हुआ है, पहले एक्स वाई, ठीक है। अब इसको ग्राफ खींचिए तो एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ हो जाएगा, इस लाइन में हो गया, यह ग्राफ जो आपने मिलाया पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में हो गया। अब देखिए सेकंड को खींचिए,
एक्स इक्वल टू कितना करा 33, तो वाई इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 33 एक्स में बल प्लस में, तो कितना 10, 20, 30, 1, 2, 3 ई हो गया 33, तो वाई इक्वल टू ऊपर 9, तो 9 के मतलब क्या है, इसी के सामने जाएगा, यही ना सामने जा रहा था, 9 मैंने 10 ई 10 हो जाएगा, तो एक मतलब ये 9 वाला है पॉइंट, इसका 9 33 का रहा, ऊपर बढ़ाइए ए आपका, मैंने कितना हो गया एक्स इक्वल टू 33 वाई इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 33 और वाई, तो मैं कह रहा था कि एक पॉइंट ए लिए 33 और 9 ले लिए ना, 33 और 9, अब ये करना है कि एक्स इक्वल टू 42 है और वाई इक्वल टू 12 है, तो एक्स इक्वल टू 42 और 1 2 और 12 10 और 2 12 माने यही बिंदु, यही पॉइंट आपका हो रहा है, पहले से दिया हुआ है, फिर कह रहा है एक्स इक्वल टू 6 वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 6 एक्स इक्वल टू कितना 6 है, 1 यही ना 6 है, माने 1 2 3 4 5 6 और 0 ये हो गया 6 और 0, याद रखिएगा। अब इसको तीन लाइन को अब मिलाइए, तीन पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट को मिलाइए, एक दूसरे को कहाँ मिल रहा है, किस पॉइंट पर मिल रहा है, ये देख रहे हैं, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे हुआ, ये कौन फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हुआ, याद रखिएगा, ये कौन इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आप खींचे, अब ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ खींच दिए, और दोनों लाइन आपका पॉइंट माने 42 और 12 में ऊपर काटा, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 42 और वाई इक्वल टू 12 जिस पॉइंट पर काटता है तो उसका कोऑर्डिनेट तो दो को होगा, एक एक्स होगा और दूसरा वाई हो गया, तो एक्स एक्स और वाई तो वही उसका सॉल्यूशन होता है जो मैंने पहले बताया था। तो ये आपका ग्राफ खींच लिए, तो इसको आप लिख सकते हैं हेंस कर कर करके, अगर उसका सोल्यूशन लिखना है तो हेंस एज ऑफ किसका अवताब, एज ऑफ अवताब, अवताब इक्वल टू हाउ मेनी इयर्स, 42 पर काटा था तो 42 इयर्स, एंड एज ऑफ डाउटर, एज ऑफ क्या चीज है डाउटर इक्वल टू हाउ मेनी इयर्स, वाई इक्वल टू कितना है 12, तो 12 इयर्स, ये सर, तो आप समझ गए। तो इस प्रकार से इस लेसन को मैं दूंगा और आप लोग बना कर कर करके इसको ग्राफ खींच कर करके आप लाएंगे, ठीक है, थैंक यू।